ये पढ़ लिया। अब देखना है कैरेट फंक्शन, कैरेट का आपने यूज किया था, कैरेट का यूज क्यों करना चाहिए, तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे हमारा कोई हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग है एस टी आर, समझना, कोई स्ट्रिंग है एस टी आर, ठीक है, एस टी आर पे हमने होल्ड कर लिया कुछ भी, मैंने लिख दिया टेक फाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एक तरीका ये है, आपको इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी स्ट्रिंग का आपको कैरेक्टर डिफाइन करना है, तो वो ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे टी चाहिए, टी को प्रिंट करना है तो क्या लिखोगे बताओ, फर्स्ट वाला टी चाहिए, ठीक है, हमें मतलब जीरो करेंगे तो क्या आएगा भाई, ठीक है, वही काम हमने वन कर दिया, हाँ, तो ये आपने देखा था। तो आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, इंडेक्स पास कर रहे हो और उसके जगह पे आपका क्या कर रहा है, ये उस इंडेक्स का कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, तो वही सेम काम हम करते हैं कैरेट, यानी कि अलर्ट आप कर दिया एसटीआर, एसटीआर डॉट कैरेट, कैरेट का मतलब कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, इसके अंदर जो भी इंडेक्स पास करोगे यहाँ पे क्या स्क्वायर ब्रैकेट होगा क्या, नहीं फंक्शन है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करोगे, ठीक है ना, क्या यूज करोगे, पैरेंथेसिस, फंक्शन है ना ये, तो फंक्शन होगा तो पैरेंथेसिस होगा, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, जीरो क्या आएगा टी, बताओ हमने कर लिया वन क्या आएगा, और हमें ये लास्ट करेक्टर चाहिए तो क्या करोगे, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करोगे और कितना कितना माइनस करना पड़ेगा, लास्ट इंडेक्स क्या होगा, स्ट्रिंग लेंथ माइनस वन, आप क्या कर सकते हो, str स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है तो str डॉट लेंथ माइनस वन क्या आएगा, y माइनस टू करोगे क्या आएगा, हाँ, तो ऐसे ही आप मन वन किया, इसका लेंथ कितना होगा, जो भी लेंथ होगा उसमें एक कम हो जाएगा, यानी कि लास्ट इंडेक्स फाइंड कर लिया, माइनस टू कर लिया तो आएगा, ठीक है, तो इसका यूज क्यों करते हो, इसका यूज क्यों करते हो, हाँ तो कैरेट का यूज करते हैं, ऊपर नोट कर लो, कैरेट, कैरेट फंक्शन इज यूज टू रिटर्न कैरेक्टर एट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। अब ये बताओ कि हम कैरेक्टर यानी कि इंडेक्स यहाँ पे निगेटिव पास कर सकते हैं, नहीं, और क्या यहाँ पे हम इसका इंडेक्स लेंथ से ज्यादा कर सकते हैं क्या, या लेंथ के बराबर कर सकते हैं क्या, नहीं, तो इसमें जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स कैन नॉट बी क्या निगेटिव आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्यों भाई बताओ, यानी कि जो इंडेक्स होगा वो इक्वल टू और
हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक, इसको कॉपी कर लिया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, स्क्रिप्ट लगाया, देख लो भाई। ठीक, डेमो कर लिया 83। ठीक है, डॉट 83 82 83। चलो रन करा लो, क्या आएगा आउटपुट? TETTYND। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ये रिजल्ट आया। अब एक है कैर फूड, स्काई वैल्यू मैं बात करूं, इसको हम लोग फाइंड भी कर लेंगे। ठीक है, या इसको और क्या बोल सकते हो, यूनिकोड टाइप। ठीक है, स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, स्टैंडर्ड कोड फॉर स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, यूनिकोड वैल्यू भी बोल सकते हो। इसे कैपिटल ए से कैपिटल जेड की वैल्यू क्या होती है, पढ़ा होगा सी में, 65 to 97 सॉरी 90। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड कहां से कहां तक, हाँ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरनेशनल सॉरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लिख दिया क्या, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो तो क्या होगा, 97 to 122। स्पेस का क्या होता है, स्पेस का होता है 32 0 29, 48 to 57। ऐसे उस कैरेक्टर की अस्थाई वैल्यू रिटर्न करेगा। सिंपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मान लो हमारा हमारा वेरिएबल है str इक्वल, हमने सिंपल आपको मैंने कर दिया ABC और ABC हमने कर दिया 0
वन टू थ्री, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग। तो ये बताओ कि ये हमारा अगर होता, अगर ये होता str डॉट कैर है, कैरेट अगर जीरो पास करोगे तो क्या करेगा ये, ए रिटर्न करेगा, कैपिटल ए रिटर्न करेगा, लेकिन यही होगा कैर कोड है, बताओ भाई क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, यानी कि इसके इंडेक्स पे जीरो इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है और उसकी स्काई वैल्यू क्या है, स्काई वैल्यू क्या है, यूनिकोड वैल्यू क्या है, वही रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 60। कैपिटल ए बताओ है कि नहीं, जीरो इंडेक्स पे क्या है, ए कैपिटल ए है, इसकी स्काई वैल्यू क्या होगी, 65, देखो यहाँ पे है कि नहीं। अगर ये बताओ कि मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया, बताना है आपको, मैंने कर दिया 3, बताओ कैर कोड है, क्या ए आएगा, क्या आओ देखो बताओ क्या आएगा, देखो बताओ इसके 3 इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे क्या है ए और स्मॉल ए है, तो इसकी स्काई वैल्यू क्या होती है, 97। बताओ भाई मैंने यहाँ पे कर दिया, जल्दी बताओ, मैंने कर दिया यहाँ पे 5, देखो हमने कर दिया str डॉट कैर कोड एट ऑफ 5, बताओ क्या आएगा हमारा 5 इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 4 5, 3 है, क्या आएगा 99 97 98 90, 3 है तो क्या आएगा 99। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या करोगे, ये कैर कोड एड क्या करता है, स्पेसिफाइड इंडेक्स का यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करता है, स्काई वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर इसमें आप क्या करोगे, इसके लेंथ से ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे कर दूं str.length, ये बताओ str, हाँ str.length करेंगे तो बताओ क्या आएगा, क्या इसके लेंथ पर, यानी कि देखो कितने करेक्टर है, इसका लेंथ कितना है, 3 3 6 9, इतना है, इसमें इसका लास्ट इंडेक्स किससे होगा, 11 11 की नहीं, देखो कितने, इसका लेंथ क्या है भाई, 3 6 9 10, लेंथ है 10, तो इस पे लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, 9 होगा ना, लेंथ माइनस 1, तो क्या 10 यहाँ पे पास करो कुछ आएगा क्या, नहीं। तो ये क्या रिटर्न करता है, अगर आपका पर आपका तो लेंथ है, यहाँ पे इंडेक्स है, अगर निगेटिव, हाँ अगर निगेटिव या उसका जो इंडेक्स है लेंथ या उससे अधिक है तो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा, नल, नुल नहीं, ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। तो चलो आते हैं, str डॉट लेंथ हमने कर दिया 11 12 13 14 -14, क्या रिटर्न करेगा उसके केस में, हमेशा नल रिटर्न करेगा। चलो आते हैं, हमने इसको कॉपी किया, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, स्क्रीन टैग लगाया, ए कर लेते हैं, एमओ 84.html, डेमो 84.html, ठीक है, रन कराया, ए 65 97 99, नल नहीं, नॉट अ नंबर, हाँ नैन रिटर्न करेगा, नल नहीं, नैन, नैन का मतलब नॉट अ नंबर, नैन रिटर्न, ठीक है, नॉट अ नंबर, नैन रिटर्न करेगा। चलो यहाँ पे हमने देखा हो तो यानी कि जो भी इंडेक्स स्पेसिफाई करोगे, डिफाइन करोगे फंक्शन इज यूज टू रिटर्न यूनिकोड वैल्यू, यूनिकोड वैल्यू एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा था, यूनिकोड वैल्यू, यूनिकोड वैल्यू यानी कि इसको और क्या बोल सकते हो, ब्रैकेट में लिख लो, अस्काई वैल्यू, अस्काई वैल्यू। अब देखना है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स,